नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। वसई में गरबा महोत्सव के दौरान दिखाई दिया बेहतरीन माहौल, आयोजित हुए अलग अलग कार्यक्रम। दोस्तों, इस समय नवरात्रि उत्सव शुरू है और हर तरफ गरबा नृत्य की धूम मची हुई है। हर कोई बड़ा छोटा गरबा नृत्य का मजा ले रहा है। गरबा नृत्य तक तो हर पंडाल में होता ही है, लेकिन इन्हीं पंडालों में अब गरबा महोत्सव के बीच अलग अलग और कुछ हटकर कार्यक्रमों का आयोजन भी होने लगा है। आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो चल रहा है, इसमें भी कुछ ऐसे ही अलग अलग कार्यक्रम आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि वसई के चुलना गांव अंतर्गत सिद्धि विनायक नगर में श्री विघ्नहर्ता सार्वजनिक मित्र मंडल का यह पंडाल है, जहाँ नवरात्रि के पहले दिन से गरबा महोत्सव शुरू है। बड़ी बात तो यह है कि इस मंडल के अध्यक्ष सिराज वहाब नाम के एक मुस्लिम शख्स है, जिनकी टीम में सचिव संजय व्यास एवं कार्यकर्ता में पार्थ जोशी, रोहन साहनी, शुभम चौधरी, जसराज पटनी आदि लोग हैं। इन सबके अलावा और भी कई महिला और पुरुष कार्यकर्ता इस मंडल में है। इस मंडल को उभारने वाले मंडल अध्यक्ष एक मुस्लिम है, फिर भी मंडल से हर समाज और धर्म के लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। ये मंडल हर त्यौहार आपस में मिलकर मनाता है, फिर चाहे नवरात्रि में गरबा महोत्सव हो या गणपति स्थापना या मोहर्रम की सबील, यह मंडल हर त्यौहार में एक साथ खड़ा दिखाई देता है। साथ ही साथ अभी जारी गरबा महोत्सव में इस मंडल में सिर्फ गरबा नृत्य ही नहीं हो रहे, बल्कि गरबा नृत्य के साथ ही अलग अलग दिन बच्चों के लिए कभी ड्राइंग कंपटीशन, तो कभी राइटिंग कंपटीशन, तो कभी फैंसी ड्रेस कंपटीशन जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाकर बच्चों को अवार्ड दिए जाते हैं। हम भी जब इस मंडल के कार्यक्रम में पहुंचे और वहां मंडल पदाधिकारियों से बातचीत की, तब मंडल पदाधिकारी काफी खुश दिखाई दिए और हर धर्म के लोगों में भाईचारा बना रहे इसका आह्वान करते नजर आए। वीडियो में सुनिए उन सभी लोगों के विचार और देखे कार्यक्रम की झलकियां। खबरों में अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो के बारे में कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को आर्थिक रूप से मजबूत करने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे गूगल पे बार कोड को स्कैन कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज्वाइन बटन पर क्लिक करते हुए चैनल का सब्सक्रिप्शन प्राप्त कीजिए। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम सिराज बहाद है और श्री विघ्नहर्ता गणेश मित्रा मंडल मेरे ग्रुप का नाम है और ये सब मेरे ग्रुप के साथ में, हमारे साथ में सब सहयोगी जो हमारे साथ में काम करते हैं। सर जी, हम लोगों ने यहाँ पे हर प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे पहले भी न्यूज दिया गया है हमारा, पहले भी न्यूज में आप लोगों ने हमको देखा होगा। छोटा मोटा मंडल है लेकिन मेहनत करते हैं, 20-25-50 लोग हैं और अच्छा पूरा एरिया सपोर्टिव है हम लोग का। हम लोग को काफी जगह से सपोर्ट मिलता है और हम लोग ये प्रोग्राम कम से कम 11-12 साल से बनाते हैं और खाली नवरात्रि नहीं, गणपति, नवरात्रि और काफी दूसरे प्रोग्राम से मोहर्रम भी बनाते हैं, काफी सब साथ में सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय करते हैं प्रोग्राम को। सर जी, खास करके ये जो है जी, अच्छा भाईचारे का एरिया है, हम सब मिलके रहते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ना हम लोग का कोई कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, हम सब एक साथ में मिलके रहते हैं यहाँ पे। कितने लोग आपके संस्था में? संस्था में तो कम से कम 30-40 के लोग के ऊपर है और हर साल में ना कम से कम काफी लोग हमारे साथ में जुड़ते भी है। और ये प्रोग्राम बनाने का कारण ये है कि हम लोग का छोटा मतलब, हम लोग से पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं, हमें हमारा प्रोग्राम ये बनाने से क्या होता है, हम लोग एक साथ में एंजॉयमेंट करना चाहते हैं और सब बच्चे लोग प्ले करके आप अपने अपने बाहर जाके अगर वीडियो शूट करोगे आप देखोगे, या आपने शूट किया भी होगा शायद, काफी टाइम से आए आप लोग ने, तो यहाँ पे आप देखोगे कि सब बच्चे लोग मिल के, बच्चे लोग के जो आज फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन रखा गया है, कल ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन है और मंडे के दिन भी और डेली हमारी तरफ से जितना बनता है भंडारा, स्नैक्स, नाश्ता वो चालू रखते हैं ताकि एग्जाम का टाइम चल रहा है, बच्चे लोग को डिस्टर्ब भी नहीं हो और उनका थोड़ा माइंड रिफ्रेश भी रहे। मेरा नाम पिंकी सैनी है। क्या कहना चाहेंगे आपके कार्यक्रम? मैं शीरत भैया से वाकिफ हूँ कि वो जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, हम उनके साथ हैं। यहाँ पर जो भी हो रहा है हमारी खुशियों के लिए हो रहा है, एक भाईचारा निर्माण करने के लिए हो रहा है, जिससे बच्चों को बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है। जो छोटे छोटे हैं आज अलग अलग हो चुके थे, नहीं समझते, बट आज इनके वजह से, इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम के वजह से उनमें अवेयरनेस आती है कि हाँ हमारे को ये भी काम करना है, ये नहीं देखते हिंदू कौन है, मुसलमान, हम सब एक है। आपने जो विषय छेड़ा था, यही सवाल करूंगा कि आज देश में ये चीज बहुत काफी ज्यादा है। हाँ जी, बट हमारे एरिया में आपको ये देखने नहीं मिलेगा, हमारे कार्यकर्ता में सब है, सब है, आपको सब मिलेंगे, हिंदू मुस्लिम नहीं मिलेंगे, सब मिलेंगे, इंडियन मिलेंगे आपको, हिंदुस्तानी मिलेंगे आपको, मगर ये नहीं मिलेंगे आपको। हम सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय करते हैं, हम पॉलिटिक्स से बहुत दूर हैं, हम आपस में भाईचारे से खुश हैं, बहुत खुश हैं।
एक दूसरे के सुख दुख में खड़े हैं, हम आपस में बहुत खुश हैं। दिवाली में पटाखे भी फोड़ते हैं। एग्जैक्टली हाँ, आप हमारे बच्चे से पूछ सकते हैं, भाभी से पूछ सकते हैं। ज्यादा ऑफर देख रहे थे क्योंकि सिराज भाई यानी कि मेन हो जाते कुछ भी प्रोग्राम रखने का। सिराज भाई उन्हें इतना बहुत सिराज भाई से प्यार हो गया कि सब प्रोग्राम वही हैंडल करता है, इसलिए इतना मुझे ये जो आप बोल रहे हैं ना वो नहीं है, हमारे एरिया में तो नहीं है। यही संदेश हम यही संदेश हम देना चाहते हैं कि हम चल पड़े हैं, हमारे पीछे सब चल। मेरा नाम रोहन सैनी है। जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अपन ने, मेरा ये फर्स्ट ईयर था ये ग्रुप में, जैसे सब कार्यकर्ता अपने जो मैं खुद कार्यकर्ता हूँ, पिछले बार मैंने कुछ गलत बोल दिया था जिसको सुधार रहा हूँ, मैं खुद एक कार्यकर्ता हूँ इस ग्रुप में और ये मेरा फर्स्ट ईयर है। और इसी तरह अपन इस पूरे मंडल को और आगे तक लेकर जाएंगे, एक बोले ना तो एक वसई के महाराजा तक पहुँचाना है अपने को पूरा एक ग्रुप को। और आगे ले जाना चाहते हैं वसई के लोग भी, इसी तरह से मिलजुल के प्रोग्राम बनाए ताकि वसई के अंदर किसी चीज का प्रॉब्लम किसी को नहीं हुए। और वैसे भी वसई में हमारा वसई पहले से सबसे मिला हुआ है, हम मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, चर्च में भी जाते हैं और ना दिवाली के फटाखे भी फोड़ते हैं और ना मोहर्रम के शरबत भी बांटते हैं और इसी तरह से हम करते रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे, आपका नाम? मेरा नाम सुरजीत साहनी है, मैं भी अभी न्यू ये ग्रुप में ज्वाइन हुआ हूँ। मुझे भी बहुत खुशी है इस ग्रुप में ज्वाइन होके, सब एकता चारा है इसमें, सबको खुशियाँ मिलती है, उसी में हम लोग को खुशी है। चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।